दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हो गए हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम से। लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, वीडियो बनाना पड़ रहा है, सरकार को जगाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। आज हिंदुस्तान से जो पेट्रोल जाके नेपाल में बिकता है, वहां पे हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा सस्ते दाम में पेट्रोल मिल रहा है। कई बार हमने देखा है कि बिहार से लोग नेपाल जाते हैं, वहां से पेट्रोल लाकर हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश का हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज हमको इस देश में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ही पेट्रोल महंगा है। सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही आगे कुछ सोचना चाहती है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है, सरकार को जगाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने पूरी तरीके से भट्टा बैठा कर रख दिया है लोगों का। आज कुछ भी खाने पीने का सामान आप जब बाजार जाते हैं, खरीदते हैं, तो आपका जो जेब में पैसा है वो पूरी तरीके से खर्च हो जाता है या फिर घट जाता होगा। इसको लेकर लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल कुछ दिन पहले 100 था, लेकिन आज 100 से भी पार कर गया है। लगभग 110 रुपए पेट्रोल हो चुका है, जिसको लेकर लोग अपने घर से निकल रहे हैं बाहर कि सरकार जो ये काम कर रही है, पेट्रोल का दाम इंक्रीज करते जा रहा है हमेशा हिंदुस्तान में। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, यही भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती थी कि पेट्रोल जो है 30 रुपए 35 रुपए हम कर देंगे, लेकिन आज जब इन्हें सत्ता मिला है तो हिंदुस्तान की जनता को भूल चुकी है, सिर्फ अपना जेब भरने का चक्कर में है। और हिंदुस्तान की जनता जो है वो पूरी तरीके से परेशान हो रही है, अपने घर से उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम पे, गैस के बढ़ते हुए दाम पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना जवाब जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।